गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं खड़ा हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और आज जिस बस में मैं जर्नी करने जा रहा हूँ वो है राजकल्पना की भारत बैंस की एसी स्लीपर बस। अभी मैं बस को बोर्ड करने के लिए आ चुका हूँ कश्मीरी गेट के राजकल्पना के ऑफिस में, जहाँ से ये बस चलती है शॉप नंबर 7 से। वैसे ये थोड़ी सी जगह शॉप से हट के है जहाँ पे बस आने वाली। पहले लैंडमार्क जो है वो है मंदिर के पार्किंग के सामने। मेरे को पहले आके रिपोर्टिंग करना होता है, मतलब 15 मिनट आपको पहले आना पड़ता है। बाकी हमारी बस आ रही है, मैं आपको बस का इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ और कैसी होने वाली हमारी जर्नी वो आज मैं दिखाता हूँ। और जो अपनी जर्नी हो रही है वो हो रही है दिल्ली से इंदौर तक की। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर बस जर्नी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो भाई कुछ ये है अपनी बस का इंटीरियर, प्रीमियम भारत बैंस का। चलो अंदर चलते हैं। L2 अपनी सीट है, सीटर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, स्लीपर्स का भी। बाकी ये देख सकते हो भाई, ये अपनी L2 पीछे वाली। तो जी अपनी बस निकल चुकी है कश्मीरी गेट से। बाकी ये कुछ है भारत बैंस का अपना इंटीरियर, मैं आपको भी दिखाता हूँ प्रॉपर। बाकी ऑन बोर्ड आपको राजकल्पना की हर बसेज में आपको वॉशरूम मिलेगा ही मिलेगा भाई। सो भाई आप देख सकते हो ये ओनली यूरिन के लिए है और सिटी में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। और बाकी ये देख सकते हो ऊपर, जैसे जो साथ में एक ड्राइवर, मतलब दो ड्राइवर हमारी बस में जाते हैं, जो कि आधे रास्ते ये ड्राइवर साहब चलाएंगे और आधे रास्ते दूसरे ड्राइवर साहब। तो एक ड्राइवर साहब ऊपर अपना रेस्ट भी कर सकते हैं। सर जाम इतना ज्यादा होता है ना कि मैं आपको पूरी बस का अच्छे से इंटीरियर भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि ना पूरी तो बस लेट हो गई थी। ऊपर से टाइम भी मतलब कि ज़्यादा हो रहा था, 8:30 हो गए, 8 बजे निकलने का यहाँ से टाइम था। तो यहाँ पे बस रुकेगी ना डिनर हॉल्ट पर, तो हो सकता है वहाँ पे इंटीरियर आपको एक बार बस का पूरा जो बाहर का जो एक्सटीरियर भी है ना वो अच्छे से दिखाएंगे। बाकी बस थोड़ी सी ना यहाँ से सीढ़ी से बाहर निकल जाए, फिर आपको प्रॉपर बातचीत करते हैं ड्राइवर को बस से। सो जी ये करोल बाग का पिकअप पॉइंट। तो जी अभी अपनी बस आ चुकी है करोल बाग के पिकअप पॉइंट पे, जहाँ पे अपनी बस में काफ़ी सारे मतलब यात्री बोर्ड करने वाले हैं। अभी दिल्ली में 3-4 जगह अभी और रुकने वाली है अपनी बस, जिसके बाद हम जाके मिलेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे हमारा होगा डिनर का भी हॉल। बाकी चलो चलते हैं। सो जी ड्राइवर केबिन का आपको इंटीरियर दिखा दूँ, तो यहाँ पे लगा होता है एसी का डक्ट। क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो कि मतलब कि पूरे केबिन पे नज़र रख रहा है, और एक लगा है फ्रंट के साइड, मतलब कि सामने के साइड अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बाकी अभी जस्ट अभी निकले हैं करोल बाग से। जो तो भाई अगर आप ऑफलाइन टिकट अगर इनके ऑफिस से जाके बुक करवाते हो ना राजकल्पना के ऑफिस से, तो आपको ऐसा कुछ आपको टिकट मिलेगा। जी अपनी बस आ चुकी है धौला कुआं पे, जहाँ पे पिकअप पॉइंट होता है अपना। सो जी अभी हम जान चल रहे हैं वो है NH8 में, भी ये ग्रुप ग्राम में आ चुके हैं अभी। ये मुंबई एक्सप्रेस वे 37 किलोमीटर है। इसके बाद वॉशरूम दिखाता हूँ भाई, वॉशरूम कैसा है। सो भाई ये देख सकते हो चलती बस में भाई वॉशरूम्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है और सामने लाइट के लिए प्लग भी लगा हुआ है, बाकी हैंडल भी लगा हुआ है। सो जी उधर जितनी लाइटें आपको दिख रही है ना रोड पे, उस साइड वो सारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अपना। सामने शिव मूर्ति है, इसका जस्ट सामने मतलब पिकअप पॉइंट है ये अपनी राजकल्पना की बस का। वैसे आज कोई सवारी है नहीं, स्पेशली आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पे रुकवाई है मैंने। तो चलिए ड्राइवर साहब चलते आगे की ओर। बाकी अब थोड़ी ही दूर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है, जो कि मतलब कि सबसे फास्टेस्ट रूट है दिल्ली से मुंबई जाने का। और ये बेसिकली लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज है यहाँ पे सारी। भाई अभी बस हमारी दिल्ली से निकल गई हुई है और ऑन बोर्ड बस में वॉशरूम भी, आपको इंटीरियर भी अभी थोड़ा दिखा दिया, बाकी का अंदर अभी जाके दिखाता हूँ, पैसेंजर से मिलवाता हूँ। क्योंकि मेरा रहता है कि भाई हर वीडियो में आपको पैसेंजर से इंट्रोड्यूस करवाता ही करवाता हूँ। हमारे साथ अभी एक पैसेंजर मौजूद है जो कि दिल्ली से उज्जैन जा रहे हैं इस बस में, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा इंटीरियर वगैरह लगा, कैसी उनको बस लगी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कांबोज। कहाँ से हो भैया आप पहले? आप पहले कभी बस से ट्रैवल किया आपने? पहले एक बार इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है? ये तो जी ये आगे अभी अपनी बस गुड़गांव में, यहाँ से भी मतलब पिकअप पॉइंट है बेसिकली, कुछ पैसेंजर यहाँ से ही बोर्ड करने वाले हैं, तो अब उनका वेट कर रहे हैं भाई। सो भाई अपनी बस के ड्राइवर साहब से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है ड्राइवर साहब? रोहित जी हैं। सर आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया है? 19 साल। 19 साल
और वैसे राज कल्पना में आप कितने टाइम से चला रहे हो गाड़ी? 4 साल साहब राज कल्पना में। वैसे हमारा रूट्स क्या क्या होने वाला है इंदौर तक का? यहाँ से अपन जाएंगे कोटा, कोटा से आगर, आगर से उज्जैन से इंदौर। ठीक है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले हैं लगभग? 917 किलोमीटर। और ये गाड़ी तेल कितना ले लेती है अप डाउन में, फ्यूल कितना लेती? 500 लीटर। तो जी बाकी ये कुछ भारत बैंक अपना 500 लीटर फ्यूल ले लेती है 917 किलोमीटर प्लस 917 किलोमीटर लगभग लगा लो 1850 किलोमीटर कवर करती है भाई ये गाड़ी डिस्टेंस। तो जी हमारे साथ है दूसरे ड्राइवर साहब। सर आपका नाम क्या है जी? नरेंद्र जी हैं हमारे साथ। सर आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है ड्राइविंग लाइन में? 17-18 साल का है। और राजकल्पना में आप कब से हैं? सो जी नाउ वी आर ऑन मुंबई एक्सप्रेसवे। सो जी मैंने तो अभी तक पहली बार मतलब किसी एक्सप्रेसवे में देखा है कि 4 लेन मतलब जाने की है, 4 लेन आने की है, मतलब 8 लेन टोटल कुल मिला के हो जाती है। समृद्धि महामार्ग भी आपको दिखाया था नागपुर से जो मुंबई जाता है, वो भी इतना बड़ा चौड़ा नहीं था जितना चौड़ा ये है भाई दिल्ली से मुंबई। जिस दिन भाई बन गया ना तो कोशिश करूंगा भाई दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट बस जर्नी आपको दिखाऊंगा। वैसे इसका नाम है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि हम चढ़ चुके हैं। सामने हमारा स्वागत के लिए लिखा भी है, बोर्ड भी लगा हुआ है, वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। सो जी मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पे और जो सीट की फैसिलिटी है ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं फोन की फ्लैश ऑन करके आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ बर्थ का कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है। सो जी सामने देख सकते हो आपको बास्केट मिलेगा, वैसे इसको शू रैक कहते हैं बट मेरे हिसाब से शू नहीं रखना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे बास्केट मतलब इसको सामान वगैरह ही रखो। बोलते हैं आपको एसी के डक्स, ये देख लो ये डक्स हैं, 2 डक्स मिलेंगे और रीडिंग लैम्प मिलेगी, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ये अंधेरा हो जाएगा अगर फोन का फ्लैश बंद करूँगा ऐसे अंधेरा हो जाएगा भाई। तो भाई इसको भी ऑन करते हैं आपको दिखाते हैं इंटीरियर। मिलता है आपको चार्जिंग का एक सॉकेट और साथ में मिलता है हमें एक ब्लैंकेट। बाकी ये तो पिलो देख सकते हो भाई, पिलो इनबिल्ड ही आ रहा है आजकल भारत बैंक की बस में। और पीछे एक कुशनिंग सी लगी हुई है जो कि बैक रेस्ट भी इसको कह सकते हैं। कुछ ये है अपनी बस का इंटीरियर। सो जी रात के हो रहे हैं 11:43 मतलब लगभग 11:45 हो रहे हैं और अपनी बस आई है डिनर हॉल्ट के लिए। सो जी आ चुका है अपना डिनर, फिनिश करके आपको बताता हूँ बाहर जाकर टेस्ट कैसा है। सो जी ऑलमोस्ट रात के बज रहे हैं 12:05 हो रहे हैं और हमारी बस जो है डिनर हॉल्ट के बाद अब निकलने के लिए तैयार है। डिनर काफ़ी अच्छा था, मैं सोया हुआ था बेसिकली, मैं पता मैं वेट कर रहा था डिनर हॉल्ट का, मेरी आँख लग गई तो फिर ड्राइवर साहब ने मेरे को उठाया कि अपनी बस रेडी है, पैसेंजर सारे बोर्ड कर जाए क्योंकि ये बस खाली। तो आपको मैं एक बार बस का ना प्रॉपर इंटीरियर दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा होता है अपनी बस का प्रीमियम सा इंटीरियर जो कि भारत बैंक की अपनी बस है। आपको एक बार अंदर से भी इंटीरियर दिखाता हूँ भाई कि कैसा होता है इंटीरियर। फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा होगा, आपको सीटिंग की भी अरेंजमेंट मिलेगी अगर आपको सीटर चाहिए, आपको अगर स्लीपर बुक नहीं करना आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप ये सीट से बुक कर सकते हैं। बाकी ये देख लो यहाँ तक आपको सीटिंग की अरेंजमेंट मिलेगी और 2x1 का स्लीपर का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इधर डबल स्लीपर आपको मिल जाएगा और इधर है भाई सिंगल स्लीपर ऊपर और नीचे आपको दोनों साइड। एक साइड में जो सिंगल स्लीपर है वो आपको ऊपर और नीचे पूरे मिलेंगे एंड टू एंड तक, और यहाँ पे आपको लोअर में आपको डबल स्लीपर में बस 2 का केबिन मिलेगा और बाकी अपर में पूरे डबल स्लीपर कुछ ऐसे होते हैं भाई। अभी मतलब बस बिल्कुल खाली हो गई थी तो मैंने सोचा आपको एक बार प्रॉपर इंटीरियर दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि आपकी बस कैसी होने वाली है आप जर्नी करोगे। तो बाकी ब्लैंकेट पिलो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और सॉकेट वहाँ मिलेगा आपको और बाकी कुछ ये है इंटीरियर। बाकी यहाँ पे सीटिंग के नंबर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, इसमें लाइट्स भी जलती है रात को जब बस चलती है ना, तो मैंने आपको दिखाया भी लाइट वगैरह भी जलती है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो भाई यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिखे मिलेगा और ऐसा कुछ मतलब इंटीरियर है अपनी ये बस का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है भाई। और सीटिंग में आपको कुछ ऐसा मिलता है, रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिक्लाइनर के लिए लगा हुआ है, इसको मे बी प्रेस करते हैं तो ये सीट आगे आ जाती है, अगर सीट को हम जब प्रेस करेंगे इसको साथ में प्रेस करके तो ये सीट पीछे चली जाएगी लाइक। सो भाई कुछ ये होता है अपनी बस का इंटीरियर।
सो जी फाइनली अपनी बस डिनर हॉल्ट के बाद निकल चुकी है जी, रात भर चलने वाली है कंटिन्यूसली, सुबह के करीब आएगा उज्जैन, उसके पहले ही आपको मिलते हैं, काफी प्यारे रूट्स आने वाले हैं। तो भाई अपनी बस ना होटल से निकल के हाईवे तक आ गई थी और कुछ पैसेंजर जो है ना वो होटल में ही रह गए, तो अब दूसरी बस में वो बैठा के मतलब ड्राइवर साहब ने बात की है ट्रिप बस वाले से, तो वो यहाँ तक उनको छोड़ेंगे। तब ये सभी पंगे हो जाते हैं जब यात्री अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करता है, तो बाकी बस आती है तो वो आएंगे यात्री, तब हमारी बस जाके चलेगी यहाँ से। सो जी अब जाके फाइनली बस निकल चुकी है अपने सफ़र पे, वो तो शुक्र है कि ड्राइवर साहब ने दोबारा काउंटिंग कर ली थी, वरना ही हम पहुंच जाते इंदौर, ये दोनों बंदे रह जाते यहीं पे ढाबे पे। तो जी अब बस अपनी आ चुकी है राजस्थान में, पेट्रोल भरवाएगी और उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश का, फिर एंटर हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो जी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जे टू में आप सभी का स्वागत है और अभी हम खड़े हैं राजस्थान में ही कहीं बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में, और पेट्रोल पम्प पे अपनी बस खड़ी है डीजल फुल कराने के लिए, इसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएंगे MP में। तो ये भर रहा है बस में डीजल, देखते हैं क्या रेट चल रहा है यहाँ पर, 90.96 पैसे। कितने लीटर की टैंक है इसकी? 400 लीटर। अभी जाएगा कितना? अभी तो लगभग 170 लीटर के आसपास अभी डीजल भरने पड़ा है अपनी बस में। जगह का नाम क्या है? काली कलाई। रायपुर पड़ता है भाई जगह का नाम। तो जी अब आ चुके अभी हम बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का नहीं है भाई, ये स्टेट्स के बॉर्डर होते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो जी अभी आ चुकी है अपनी बस बॉर्डर पे जो कि MP और राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ से अपनी बस का होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई, फिर इसके बाद हमारी बस को मिलेगी एंट्री, फिर हम इधर निकल जाएंगे MP के साइड, उधर से भी हमने एंट्री की है राजस्थान से और यहाँ से भी निकल जाएंगे MP में, बाकी ये कुछ ये बॉर्डर होता है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लूँ अपनी इस वाली बस में 44 सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें कि स्लीपर्स बर्थ भी इंक्लूड है, और 13.5 मीटर की है अपनी बस है पूरी लेंथ की, जो सीटर का है उसका 1200 या 1300 रुपए के आसपास किराया है, और जो स्लीपर है उसका 1500-1600-1700 ऐसा कुछ मतलब किराया रहता है, बाकी डायनेमिक रहता है भाई वो। बाकी ये देख लो भाई जितनी बसेस यहाँ से जाएंगी सभी रुकेंगी यहाँ पे भाई।
सो नाउ वी आर ऑफिशियली एंट्री इन मध्य प्रदेश। अब हमारी बस आके पहुंची थी मॉर्निंग स्टॉप के लिए जहां पे हमारी बस का होता है हॉल्ट। बेसिकली ये हॉल्ट इसलिए क्योंकि यहां से ब्रेकफास्ट वगैरह जिसने करना है, वॉशरूम वगैरह जिसने जाने हैं। पीछे से कुछ ऐसी लग रही है भाई अपनी राज कल्पना की भारत वैंस की बस, मतलब कि ये सदगुरु की बॉडी है और ये दिन का जो ऐसा कुछ लुक रखता अपनी बस का। और 13.5 मीटर लंबी है पूरी बस है, मतलब कि है। सो भाई ये जगह आपको याद होगी 15 दिन पहले भी जो लास्ट आपकी बस जर्नी थी ना अपनी दिल्ली से इंदौर वाली, वो भी इसी जगह पे बैठ के मैंने चाय पी थी, लेकिन ड्राइवर साहब दूसरे थे किसी और बस के थे ना। तो जी अपनी जो बस अभी आगर को क्रॉस कर रही है तो ये जो कंचन ट्रेवल्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपनी बस रुकती है वैसे जब सवारी वगैरह होती है। अभी वैसे कोई सवारी उतरने वाली नहीं है तो अभी हम सीधा उज्जैन के लिए बढ़ेंगे आगे। तो जी एक बार मॉर्निंग में आपका इंटीरियर देख लो भाई, रात को दिखाया था थोड़ा सा रोशनी का प्रॉब्लम था तो क्लियर नहीं आ पाया था। ये देख लो अभी दिन में कुछ ऐसा इंटीरियर होता है, ऊपर वुडन का टेक्सचर दिया गया है और यहाँ पे एसी के ब्लोअर्स हैं और रीडिंग लैम्प है, कुशनिंग वगैरह है और ये पिलो होता है एमिनिटीज में और ये ब्लैंकेट होता है एमिनिटीज में और ये 500 ml की वाटर बॉटल होती है एमिनिटीज में। बाकी चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है जो कि वर्किंग में। काफ़ी अच्छा रूट चल रहा था, विंड मिल्स वगैरह थी तो वो दिखाने के लिए आपको केबिन में गया हुआ था। अब बस सीधा रुकेगी उज्जैन में और उज्जैन यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर पर रह गया। और वैसे तो मैं इंदौर तक जाऊंगा, आपको मैं उज्जैन दिखाऊंगा। वैसे अभी जो पैसेंजर्स है ना यहाँ पे उज्जैन में अभी डीबोर्ड कर जाएंगे तो ऑलमोस्ट बस खाली हो जाने वाली है यहाँ पे। सो जी लगभग पहुँच चुके हैं उज्जैन में। तो भाई अपनी बस आ चुकी है उज्जैन में। यहाँ पे अपनी बस का ड्रॉप पॉइंट होता है, पिकअप पॉइंट होता है जो कि है देवास गेट के पास। पूरी बस ऑलमोस्ट कह सकते हैं भाई खाली हो रही है और बाकी कुछ सुबह में ऐसी लगती है अपनी बस प्यारी सी और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी मस्त है भाई। और यहाँ पे आपको ऑटो वगैरह वाले भैया लोग मिल जाएंगे, ये लोग मंदिर वगैरह आपको छोड़ देंगे, मतलब आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी भाई उज्जैन पे। तो यहाँ से अब और सीधा आप रुकेंगे इंदौर में। अब यहाँ से लगभग भाई इंदौर एक डेढ़ घंटा और रह गया, बाकी बस अपनी चलने के लिए भी ऑलमोस्ट तैयार। सो जी अपनी फाइनली बस निकल गई है देवास गेट से उज्जैन से और अब हम सीधा वैसे इंदौर जाएंगे। आपको मैं रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ यहाँ का उज्जैन का। यहाँ के जस्ट पास में बस मिलती है, चौक है इसके जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है, उसके थोड़ा सा पीछे अपनी बस का स्टॉप भी होता है। तो जी एक बार कमेंट में लिख देना हर हर महादेव और बाकी जो जो उज्जैन से वीडियो देख रहे ना कमेंट जरूर करना भाई। तो ये सामने ये दिख रहा है रेलवे स्टेशन का पूरा कैंपस, मतलब रेलवे स्टेशन ही कह सकते हैं।
आपको रेलवे स्टेशन भी पास मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे बस रुकती है वो भी, मतलब बस स्टैंड भी पास कह लो और रेलवे स्टेशन भी पास कह लो, दोनों सिस्टम एक ही है। रेलवे स्टेशन तक आपको बस छोड़ के जाएगी। सो जी अब एंटर कर चुके ऑलमोस्ट इंदौर में अरविंदो हॉस्पिटल के पास। अभी पहला ड्रॉप पॉइंट आएगा, उसके बाद बैक टू बैक ड्रॉप पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। तो जी विजयनगर क्रॉस हो रहा है अभी। फाइनली पहुंच चुके हैं नवलखा बस स्टैंड, जो कि इसका आखिरी ड्रॉप पॉइंट होता है राजकल्पना के अभी बस का। लगभग 917 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया अपनी बस ने इंदौर तक दिल्ली से। होता है अपनी बस का ड्रॉप पॉइंट जो कि राजकल्पना ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस बना हुआ है। आपको एक बार यहाँ का ऑफिस भी दिखा देता हूँ। ये है राजकल्पना का ऑफिस अपना इंदौर का, जो कि आपको पड़ेगा 900 पे। बाकी यहाँ से अपना कार्गो वगैरह जो भी माल वगैरह भेजना चाहते हो, पार्सल वगैरह, वो भी आप भेज सकते हो। बाकी ये बस अभी शाम को फिर से वापस चली जाएगी दिल्ली के लिए। कैसी लगी आपको ये जर्नी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। राजकल्पना की अगर नेक्स्ट और कोई बस देखनी है, बस जर्नी देखनी है, मुझे फटाफट कमेंट कर देना। एक और तब तक लिए इस बस की जर्नी को यहीं पे करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। नंबर और आपको साइट का लिंक दे रहा हूँ और एप्लीकेशन का भी लिंक दे रहा हूँ, और वहाँ से टिकट वगैरह बुकिंग कराओगे वो आपको डिस्काउंट से मिल जाए। 500 रुपये का वेलकम आपको कूपन भी मिल जाएगा, जो कि आप पहली टिकट जब बुक करोगे 500 रुपये का आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। बाकी चलो तब तक लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना भाई, और कौन कौन इंदौर से वीडियो देख रहा है वो भी कमेंट कर देना भाई। चलो तब तक लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।